मध्य प्रदेश के खरगोन में संतरे के बगीचे में जानवर समझकर बगीचा मालिक ने फायर किया। संतरे चुराने आए नाबालिग युवकों में से एक किशोर को लगी गोली। शोर मचाने पर किसान ने देखा तो दंग रह गया। ताबड़तोड़ घायल युवक को पहले खरगोन फिर गंभीर अवस्था में इंदौर किया गया रेफर। पुलिस ने किसान के खिलाफ केस दर्ज किया। किसान अभी फरार है। खरगोन जिले के बरूड़ में किसान डालू राम के संतरे के बगीचे में झाड़ियों में सरसराहट आने पर जानवर समझकर चलाई 12 बोर की बंदूक से फायर कर दिया। फायर करते ही झाड़ियों से आवाज आने पर दौड़ा, देखा बगीचे से कुछ युवा भाग रहे थे। इस दौरान उनकी नज़र बगीचे पर जमीन पर पड़े 17 वर्षीय तुषार कर्मा पर पड़ी। फायर से तुषार के कमर और पैर पर छर्रे लगे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्काल घायल नाबालिग किशोर को जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में उपचार के बाद गंभीर अवस्था में घायल तुषार को इंदौर रेफर कर दिया। घटना से भयभीत बगीचा मालिक डालू राम फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बरूर से रामेश्वर कुमरावत के साथ खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। बरूर का किसान डालू रामकरण कबूली है। उनका कोठा रोड पे संतरे का बगीचा है। रोज़ बगीचे में संतरे चोरी की घटना होती रहती थी। आज ये अपने साथी के साथ रखवाली के लिए गए थे। खेत की रखवाली करने के पश्चात मेड भी बैठे हुए थे और खेत की अंदर से बगीचे से आवाज़ आई, लेकिन आवाज़ लगाई कौन है तो पति आवाज़ कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसके बाद बैठे रहे, उसके बाद दोबारा फिर खड़बड़ा की आवाज़ आई। इनने सोचा कोई जानवर होगा, इससे इसने गोली चला दी। गोली चलाई, खेत में से अंदर से आवाज़ आने लगी। आवाज़ जाकर देखा, एक व्यक्ति को गोली लगी थी। एक भाग रहा था। उसके पास संतरे का थैला था, उसको पकड़ लिया और जिसको चोट लगी, गोली लगी, उसको ले गया थाना है। थाने पर विधि सम्मत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना लिया है और घायल को इलाज के लिए बरूर से खरगोन रेफर किया है। खरगोन रेफर। सर अभी हालत कैसी क्या है? अभी तो ठीक है, इससे खतरे से बाहर ऐसी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।